साथियों, आज देश में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक एबीजीसी इस सेक्टर की भी तेजी से विकास हो रहा है। भारत मोबाइल गेमिंग को लेकर दुनिया के टॉप 5 मार्केट में से एक है। वाओ गाइस, अब गेमिंग भी एज अ इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज किया जा रहा है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। आई होप कि आप लोग सब लोगों ने कल का मोदी जी का अनाउंसमेंट जरूर सुना होगा, नहीं सुना है तो जरूर से सुन लेना। वहां पे उन्होंने एवीजीसी टास्क फोर्स के बारे में बात किया, जहां पे विजुअल इफेक्ट, एनिमेशन, गेमिंग एंड कॉमिक, इसको अब इंडिया में और ज्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। अब आप सोचो कि एज अ गेमर, एज अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, बहुत छोटे से पार्ट है, मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ कि आप, हमारे पेरेंट्स भी थोड़े बहुत खुश होंगे कि देखिए उन लोगों को जो डर था ना, जो अनसर्टन फ्यूचर जो हम लोगों को दिख रहा था वो उन लोगों को नहीं दिख रहा था। अब गवर्नमेंट ने ये जब चीज़ की है, अब जब बजट में इतना अलॉट किया गया है, तो अब खुशी खबर, अब सच्ची में लग रहा है कि अच्छे दिन हमारे लिए भी आ रहे हैं। तो यस, आप लोगों का ओपिनियन जरूर से कॉमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करो कि आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या होगा इससे। एंड अगर नहीं पता है तो जरूर से जाके ये वीडियो देखो एंड क्या हुआ है एक्चुअली वो भी जान लो, क्योंकि ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि दिस इज ऑल अबाउट अ गेमिंग, दिस इज ऑल अबाउट गेमिंग एज अ होल इंडस्ट्री, नॉट अबाउट एनी सिंगल गेम, नॉट अबाउट एनी सिंगल कम्युनिटी गाइस। सो I'm very happy. Wow, इसी के रिगार्डिंग कल ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के मेन चैनल पे ईस्पोर्ट्स दिस वीक का एक स्पेशल एपिसोड आने वाला है। वहां पे इसके रिगार्डिंग सारे डिटेल चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। तो अगर आप लोगों ने मिस आउट किया है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाके सब्सक्राइब कर लो, आपको वहां पे पता लग जाएगा सब कुछ।